नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हमें कुछ आसानी हो जाएगी अर्न अकेडमी पे लाइव क्लास लेने के लिए। आज मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे जो हम नोट्स बनाते हैं, हम सभी एजुकेटर के पास नोट्स तैयार होती है बट उसको टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं होता है, तो ऐसी नोट्स को हम कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करें आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ साथ में आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है और प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फाइल में कैसे सेव करना है और उसको कहां पर अपलोड करना है, यहां तक की प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को ताकि आप पूरा मैसेज समझ पाए और अच्छी तरीके से कम एफर्ट में आप अच्छी तरीके से लाइव क्लास ले पाए अनएकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक नोट्स बना के रखी है। सभी के पास, एजुकेटर के पास ऐसे बहुत सारे नोट्स तैयार होते हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, मगर ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इस लिखे हुए को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ कभी कभी हम सर्फ करते हैं ना ऑनलाइन, हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन देखने पर भी हमारे पास ऐसा ही कुछ इमेज आ जाता है, मगर ये इमेज में से मुझे ये सारी चीज़ों में कुछ बदलाव करने हैं। जैसे कि आपने ऑनलाइन से कोई एक एग्जांपल लिया तो उस एग्जांपल में आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं। अगर थोड़े से मॉडिफिकेशन करोगे तो आपके पास नया एग्जांपल क्रिएट हो जाता है जो बच्चों के लिए बहुत नई बात होती है। तो वैसे कैसे हमें करना, इसका टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना, क्योंकि ये तो इमेज है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इमेज जो आपके सामने है उसको किस तरीके से हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर देना है। क्या करना है, जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। अब जीमेल अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पर जाना है और गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। तो मैंने अपनी गूगल ड्राइव ओपन करके रखी है, ये मेरी गूगल ड्राइव ओपन है। ओके, आपके पास ड्राइव आएगी तब आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब फ्रेंड्स, आपको जो वो आपकी इमेज है उस इमेज को यहाँ पर पेस्ट करना है या फिर खींच के यहाँ पर लेके आना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। ये रही मेरी इमेज, मैं इस इमेज को खींच के इसके अंदर डाल देता हूँ। सिंपल फ्रेंड्स, तो ये इमेज इसके अंदर आ चुकी है। कहाँ पर आ चुकी है, तो देखिए यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ओके, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है वन नंबर की। अब इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ ऑप्शन आएगा, उसमें गूगल डॉक्स में जाना है। जैसे ही आप गूगल डॉक्स में जाएंगे तो जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए थे वो अलग हो जाएंगे डॉक्यूमेंट में से। दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होगी, ये इमेज है, ये इमेज है, और इमेज में जो भी लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें आपको नीचे टेक्स्ट के फॉर्म में मिल गई, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं धी को दिस करना है तो दिस कर सकता हूँ, लाइकवाइज। तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सारा डेटा, तब आप इसको PPT में डाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कि किसी इमेज की, अब हम बात करते हैं मेरी हैंड रिटन नोट्स की। अगर हैंड रिटन नोट्स को भी क्या ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाता है, तो उसके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स को यहाँ से खींच के अपने गूगल ड्राइव में डाल दूंगा। ये मैंने गूगल ड्राइव में डाल दिया, अब हैंड रिटन नोट्स मेरे सामने आ गई। ये रही मेरी हैंड रिटन नोट्स। फिर से वही चीज़ करनी है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है और गूगल डॉक्स में जाना है। तो ये आपके सामने गूगल डॉक्स ओपन हो रहा है, जिसके नीचे लिखा होगा जो भी मैंने लिखा है हैंड रिटन नोट्स में, अपने हाथों से लिखा है जो। देखिए, ये मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर लिखा था,
थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो स्पेलिंग में कुछ इधर 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 उधर होने की चांसेस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके उसको एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया है कि किस तरीके से आप नोट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेजेस को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। तो मैं ये इमेज को ही लूँगा और इमेज को ही प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश करूँगा। आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये। इसको कैसे ओपन करते हैं, जैसे कि आपको सर्च में लिखना है पावर पॉइंट, सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमें कहाँ पर जाना है, डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में स्लाइड ओरिएंटेशन को लैंडस्केप रखनी है और पेज सेटअप में जाना है। पेज सेटअप में ऑन स्क्रीन शो, उसमें लिखना है 16:9 और ओके कर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा कि अनअकैडमी और जयवीर शाह, तो जयवीर शाह। फिर आपको अपने टाइटल देने हैं जो भी आप पढ़ाने वाले हो यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम करके मैं दूसरी स्लाइड बनाऊँगा। दूसरी स्लाइड के अंदर आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं और उसकी इमेज भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इमेज मैंने अभी निकाली थी वही इमेज मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, बस अपनी इमेज नंबर 1 उस पर क्लिक कीजिए। ओके, चलो मैं स्नाइपिंग टूल का भी यूज़ आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, मैंने ओपन कर ली, मुझे इसको कट करना है क्योंकि यहाँ पर आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, ये बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतनी ही फिगर डालनी है, ये फिगर और ये कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्नाइपिंग टूल आ गया, SNIPING स्नाइपिंग टूल आ गया। मैं कंट्रोल एन करता हूँ। स्नाइपिंग टूल में कंट्रोल एन करने के बाद जितना पोर्शन मुझे चाहिए उतना पोर्शन मैं सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट किया हुआ पोर्शन कॉपी ऑलरेडी हो चुका है, हमें क्या करना है, हमारी स्लाइड में जाना है। ये स्लाइड में मैं गया और कंट्रोल वी दबाना है, कंट्रोल दबाकर वी करना है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है मेरी। अब यहाँ पर हमें उसको टाइटल देना है। तो ये क्या है, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर आयोनाइजिंग डिवाइस बोलूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैक्लोइड डिवाइस बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सिर्फ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस करके इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एज, और PDF फाइल में सेव करना है। PDF फाइल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप स्टेप फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे एक अनअकैडमी का फोल्डर बना दीजिए, यहाँ पर न्यू फोल्डर कीजिए, अनअकैडमी का फोल्डर बना दीजिए ताकि आपके पास हर बार इंफॉर्मेशन पड़ी रहे। तो अनअकैडमी का फोल्डर बना दिया मैंने, और जैसे ही मेरा क्लास है, जो भी मेरा क्लास है उसका भी एक फोल्डर बना दीजिए, ये मेरा क्लास का एक फोल्डर है। तो जैसे ही मैंने क्लास का फोल्डर बनाया Class 1, ये करना ज़रूरी नहीं है बट ऐसा करोगे तो आपके पास डेटा लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा। और उसके अंदर मैं PDF का भी 1 नाम लिख देता हूँ, 1, और पब्लिश कर दिया मैंने। अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये मेरी PDF क्रिएट हो रही है, PDF क्रिएट होने के बाद ओपन होगी, तो ये मेरा PDF हो गया क्रिएट। अब इसको कहां पर अपलोड करना है वो भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स आपको अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अनअकैडमी पे ओपन करेंगे आपको प्लस डैशबोर्ड के अंदर जाना है, यहां पर प्लस डैशबोर्ड है वहां पर जाना है। प्लस डैशबोर्ड में जाके आपने अगर लाइव क्लास क्रिएट नहीं किया है अभी तक तो यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू पे करना होगा क्लिक। क्रिएट न्यू पे जाके स्पेशल क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पूरी डिटेल फिलअप कर देनी है, क्लास टाइटल, गोल, लैंग्वेज, अबाउट क्लास,
सेशन कितने का और कौन से टाइम पे आप लेने वाले हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 12 घंटे से पहले क्लास को क्रिएट करना है और क्लास को पब्लिश भी कर देना है। 12 घंटे के बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सुबह 10 बजे क्लास लेने वाले हो तो रात को 10 बजे से पहले क्लास को सेव और पब्लिश कर देनी है। ओके, ये बात का ख्याल रखेंगे। मैंने ऑलरेडी क्लास बना के रखी थी, इसलिए मैं आपके सामने आता हूँ। जैसे कि ये क्लास है, यहाँ पर हमें स्टेट्स पे जाना होगा। अगर ये क्लास आप जब क्रिएट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, पब्लिश कर लेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाएंगे, उसके बाद में मैंने दो स्टेप बताना भूल गया, ये सारी डिटेल फिलअप कर लेंगे, फिर सेव करेंगे और फिर पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश जब आप कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्लासेस दिखाई देगी। ये क्लासेस आपको इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे मुझे दिखाई दे रही है उसी तरीके से। जो आपका टाइटल होगा वो दिखाई देगा और कौन सा स्टेटस पे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेशन का टाइम और डेट दिखाई देगा। मैंने अभी कोई क्लास पब्लिश नहीं की है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। और उसके अंदर जब आप स्टेट्स पे जाएंगे तो स्टेट्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे डाउनवर्ड पे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गो लाइव का। कब मिलेगा? 10 मिनट पहले लाइव क्लास करने के 10 मिनट पहले। जब आप फर्स्ट टाइम लाइव क्लास करते हैं तो 5 मिनट पहले मिलेगा और बाकी के दिनों में 10 मिनट पहले आपको गो लाइव का यहाँ पर सिंबल मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 5 मिनट है या 10 मिनट है? तो मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूँ। जब भी आप क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपका क्लास 22 तारीख को है, तो 22 तारीख को 10 बजे आपका क्लास है तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 10 मिनट पहले, 10 बजे से 10 मिनट पहले 9:50 को, कि अभी ये जयवीर जी लाइव आने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन अनएकेडमी से आएगा, तो जैसे ही वो अनएकेडमी से नोटिफिकेशन आपको आएगा उसी टाइम पे यहाँ पर गो लाइव क्लास कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है? ये दोनों कर्व के नीचे गो लाइव क्लास रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी एक लाइव क्लास पे वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ आपको, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको मटेरियल अपलोड करना है। बट फिलहाल जब आप गो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे, वो भी वीडियो के अंदर है, गो लाइव क्लास के क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस पे ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है और जहाँ पर आपने वो PDF रखी थी वहाँ से यहाँ पर अपलोड करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।